दिन में कितनी बार हम ये सुनते हैं। कई लोग सामान्य तौर पे भी कहते हैं, मैं बाइपोलर हूँ क्या, मुझे कितना जल्दी गुस्सा आता है, या मेरा दोस्त उसको बाइपोलर हो सकता है, बहुत जल्दी उसको गुस्सा आता है, बहुत जल्दी खुश होता है, कभी दुखी रहता है। क्या ये बाइपोलर है? बाइपोलर का मतलब क्या है, उसके सिम्टम्स, उसके लक्षण क्या होते हैं और उसकी ट्रीटमेंट हम कैसे कर सकते हैं? मैं डॉक्टर पल्लवी जोशी, मैं मणिपाल वार्थुर से हूँ। आज हम बाइपोलर डिसऑर्डर के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है। तो हमारे साइकियाट्री में, मानसोपचार तज्ञ जो हम कहलाते हैं, तो मानव शास्त्र में कई तरह की बीमारियां होती है। कुछ कॉग्निटिव है, जो विचारों की बीमारी है, जैसे स्किज़ोफ्रेनिया है, वैसे बाइपोलर डिसऑर्डर मूड की बीमारी है, भावनाओं की बीमारी है। अब क्या होता है, अगर हम ये नॉर्मल मूड माना जाए, हम खुश हुए तो इतना होंगे, दुखी हुए तो इतना होंगे, ये नॉर्मल ही होगा हमारे साथ। सामान्य इंसान है, दिन भर खुशी दुख तो चलते ही रहता है। बट अगर बाइपोलर है तो क्या होता है, उन्माद की अवस्था। अगर खुशी इतनी ऊपर चली जाती है कभी कि उसको कंट्रोल करना मुश्किल होता है, और अगर डिप्रेशन आया वो भी नीचे जाता है कि मानसिक नैराश्य के सारे लक्षण पाए जाते हैं। अब ये जैसे हमको लगता है दिन भर में इतनी बार हुआ मतलब बाइपोलर है, तो इस तरह से नहीं होता है, महीनों महीनों इसके लक्षण चलते रहते हैं। तो ये बाइपोलर डिसऑर्डर एक मूड डिसऑर्डर है जिसमें मेनली भावनाओं के लक्षण पाए जाते हैं। तो कारण कई साइकियाट्रिक डिसऑर्डर के हमको पता नहीं है, उसमें से बाइपोलर भी एक डिसऑर्डर है जिसका हमें एग्जैक्ट कारण, जो बोलते हैं जो पक्का कारण, अभी तक पता नहीं। बट जो रिस्क फैक्टर्स बोले जा सकते हैं कि इन चीज़ों के कारण उसकी तीव्रता बढ़ सकती है या आने के चांसेस बढ़ सकते हैं, तो पहला कारण जेनेटिक है। तो जेनेटिक में क्या होता है, देर आर सर्टन जीन्स विच आर इम्प्लीकेटेड इन बाइपोलर डिसऑर्डर, और थोड़ा सा फैमिलियल भी है। मतलब अगर माँ को बाइपोलर है तो बच्चे में होने का चांस 20% है, माँ या पिताजी को। अगर दोनों पेरेंट्स को बाइपोलर है, दोनों पालकों को बाइपोलर है, तो 50% शक्यता बढ़ जाती है कि बच्चे में वो आए। ये एक कारण हो गया। दूसरा कारण, आज जब पेट स्कैन जो हम फंक्शनल इमेजिंग बोलते हैं, फंक्शनल इमेजिंग और स्ट्रक्चरल में अंतर है। तो सिटी स्कैन हो गया, MRI हो गया, जिसमें ब्रेन का स्ट्रक्चर दिखता है। फंक्शनल क्या है, जिसमें ब्रेन कैसे काम करता है वो दिखता है। तो उसमें कई बदल हमको बाइपोलर के पेशेंट में पाए जाते हैं। तो ब्रेन का मेटाबॉलिज्म, जो चयापचय बोलते हैं, वो भी अलग रहता है ये पेशेंट्स में। और स्ट्रक्चरल चेंजेस क्या होते हैं, क्लासिकल चेंज जो हमको दिखाई देता है, जो बदलाव दिखाई देता है, वो वाइट मैटर में काफ़ी डेंसिटी आती है। तो हमारे ब्रेन में दो तरह का मैटर होता है, ग्रे मैटर, वाइट मैटर। तो ये पेशेंट्स में वाइट मैटर की डेंसिटी अलग होती है। अब स्लीप स्टडीज़ में भी कई अंतर पाए गए हैं, इम्यूनोलॉजिकली भी कई अंतर पाए गए हैं। और क्या होता है, जो रासायनिक बदल, जिसी पे दवाई काम करी, जो बदल पे दवाई काम करी और जिससे हमको बहुत फ़र्क देखने को मिलता है, वो मैनिया और डिप्रेशन, दोनों पोल्स जो है बाइपोलर में, उसमें बहुत ज़्यादा पाए जाते हैं। तो जो अपना ब्रेन है उसके जो रासायनिक बदल है, वो भी बहुत महत्वपूर्ण कारण माना जाता है। और जो मॉडल रहता है कोई भी साइकियाट्रिक इलनेस का, वो है बायोसाइकोसोशल मॉडल। तो बायोलॉजिकल हमने देख लिया, साइकोलॉजिकल कुछ चीज़ें देख ली, सोशल जब एडवर्सिटीज़ होती है, अगर बच्चे के माँ या पापा कोई जल्दी गुजर गया 10 साल के पहले, तो मूड डिसऑर्डर के लिए वो बहुत बड़ा रिस्क फैक्टर है। अगर शोषण हुआ है वो बच्चे का बचपन में, या बहुत जल्दी उसने बहुत तरह तरह के टेंशन्स देखे हैं, तनाव देखे हैं, तो वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण रिस्क फैक्टर बाइपोलर शुरू होने के लिए, और उसके अटैक्स वापस, दौरे वापस आने के लिए भी महत्वपूर्ण पार्ट माना जाता है। अब लक्षण क्या है, ये समझने के पहले बाइपोलर 1 और 2 हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। कॉमनली बाइपोलर जो बोला जाता है वो 1 है। अब उसमें क्या होता है, 1 का मतलब है, जैसे मैंने बताया, हम खुश हुए तो थोड़े से खुश होते, दुखी हुए तो थोड़े से दुखी होते। बाइपोलर 1 में क्या होता है, उन्माद की अवस्था आती है, जहाँ पे खुशी इतनी ऊपर जा रही है, और वो अवस्था 2-3 महीने रहती है। ऐसा नहीं कि उन्होंने आज खुश हो गए, 2 घंटे में नॉर्मल हो गए, वो वाला सिचुएशन बाइपोलर में नहीं होता। सो 1 में क्या होता है, उन्माद की अवस्था रहती, रुग्ण को ये लगने लगता है मुझे नींद की ज़रूरत ही नहीं, और उसको फ़र्क भी नहीं पड़ता नहीं सोए तो। उन्माद का मतलब क्या है, बहुत हाई एनर्जी स्टेट,
बहुत ज़्यादा एनर्जी रहती है पेशेंट्स में, तो ना वो सोते हैं, वो सोते नहीं तो भी दिन भर एनर्जेटिक रहते, खुश रहते, बहुत ज़्यादा खुश रहेंगे। लेकिन कई बार अगर मैनिया कुछ दिन चल रहा है तो क्या देखने को मिलता है, हमें इरिटेट हो जाते, जल्दी से गुस्सा होते, वो एनर्जी का क्या करें वो समझ में नहीं आता, तो जल्दी गुस्सा भी हो सकते, नहीं तो बहुत खुश पाए जाते, बहुत फास्ट बात करेंगे, इतनी फास्ट कि आप उनको रोक नहीं पाओगे, जोर से भी बात करते हैं, उस अवस्था में बहुत ज़्यादा पैसा भी स्पेंड कर देते हैं, ऐसे भी बातें करते हैं कि मैं प्राइम मिनिस्टर को जानता हूँ, बहुत बड़े बड़े हस्तियों को जानता हूँ, लोग मेरे पीछे है क्योंकि मेरे पास इतना पैसा है, मैं बहुत सुंदर हूँ, तो इसको हम क्या बोलते हैं, डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोसिटी, जो सच नहीं है, बट उनको लगता है ये सब मेरे साथ है, मैं बहुत खुश हूँ, ऐसी बातें होती हैं। हाइपर रिलीजियोसिटी, बहुत बड़े बड़े गाने गाना, ईश्वर का बहुत पूजा करना, कई बार डिसइनहिबिटेड बिहेवियर होता है, रेकलेस पी सकते, बस पीते ही रह रहे हैं, कई बार सेक्सुअल इनहिबिशंस कम होते पेशेंट के तो कुछ गलतियाँ भी कर देते हैं, ये हो गया बाइपोलर वन। और सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों है, ये पेशेंट्स कई बार प्रॉपर्टी बेच देंगे, कई बार दूसरे माले से छलांग मारेंगे, उनको लगता है कि मुझ में कोई सुपर पावर है, कई बार ऐसे होता है कि किसी को मारने की भी कोशिश कर सकते हैं, तो इस दौरान पेशेंट की हमको सेफ्टी देखनी पड़ती, ये एक पोल हो गया। अब दूसरा पोल जो डिप्रेशन का है, जो मानसिक नैराश्य, उसमें नैराश्य के सारे लक्षण पाए जाते हैं। क्या होता है इसमें, कम सोना, उदास रहना, छोटी छोटी बातों से तकलीफ होना, कहीं फोकस नहीं हो पाना, एनर्जी नहीं लगना, जल्दी से थकावट महसूस होना, ऐसा लगना कि मैं बहुत अकेला हूँ, मुझे भविष्य के बारे में कुछ अच्छा नहीं दिखाई दे रहा है, ज़िंदगी में मेरे कोई उद्देश्य नहीं है, और सुइसाइडल आइडियाज आना, ये डिप्रेशन में है, ये बाइपोलर वन हो गया। अब एज अपोज टू पॉपुलर बिलीफ, लोगों को क्या लगता है कि एक बार मैनिया आएगा और दूसरी बार डिप्रेशन, ऐसा ज़रूरी नहीं, वन में मैनिया के बाद मैनिया भी आ सकता है और डिप्रेशन के बाद डिप्रेशन भी चल सकता है। बट डिप्रेशन में पेशेंट कई बार हमारे पास नहीं आते क्योंकि उनको रिलेटिव्स को भी लगता है, उनके रिश्तेदारों को लगता है पेशेंट चुप बैठा है तो उसको शायद डिप्रेशन नहीं है, मैनिया नहीं है, तो डिप्रेशन की ट्रीटमेंट कई बार कम ली जाती है बाइपोलर वन में। अब दो के बारे में, बाइपोलर टू के बारे में छोटा सा थोड़ा सा कुछ, बाइपोलर टू बहुत कॉमन है बट डायग्नोज नहीं होता। इसमें क्या होता है, डिप्रेशन आफ्टर डिप्रेशन आफ्टर डिप्रेशन चलते रहेगा कई बार, बट दो डिप्रेशन के बीच पेशेंट नॉर्मल होता है। और अगर रिश्तेदार, आपके दोस्त बहुत ज़्यादा विजिलेंट है, उनका आपके ओर ध्यान है, तो लाइफ में कभी तो भी ज़िंदगी में 3 महीने का ऐसा दौरा आ सकता है जहाँ पेशेंट बहुत एनर्जी में रहता है, लेकिन वो मैनिया में गया है क्या, तो नहीं, बाइपोलर टू में हाइपोमैनिया है। हाइपोमैनिया का क्या मतलब है, छोटा, हाइपो का मतलब होता है छोटा मेडिसिन में, तो वो जो छोटा सा मैनिया है उसमें काम तो ज़रूर करेगा पेशेंट, भलती भलती बातें भी नहीं बोलेगा जो बाइपोलर वन के मैनिया में होती है, बट एनर्जी लेवल्स बहुत ज़्यादा रहेंगी, रिलेटिव्स नोटिस करेंगे, अच्छे अच्छे कपड़े पहन रहा है, बहुत स्पेंड कर रहा है, लोगों से बात कर रहा है जो जिसको वो जानता भी नहीं है, इतना करके भी वो अपना काम ज़रूर फिनिश करेगा और ऐसी कोई बातें नहीं बोलेगा जो रियलिटी को मैच नहीं करेगी। ये हो गया बाइपोलर टू। बाइपोलर डिसऑर्डर का इलाज हम जो बोलते बहुत ज़रूरी है और दवाइयाँ भी उसमें ज़रूरी हैं, लेकिन रुग्ण कौन सी अवस्था में है, अगर डिप्रेशन में है तो दवाइयाँ अलग हैं, अगर मैनिया में है तो दवाइयाँ अलग हैं, और दोनों फेजेस में भी कुछ कॉमन है। कॉमन क्या है, अगर हमारे पास कोई इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है जैसे फ्रिज है या कोई महंगा उपकरण है तो हम क्या करते हैं, उसको स्टेबिलाइज़र लगाते हैं। अब स्टेबिलाइज़र से क्या होता है, उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं, फ्लक्चुएशन हो रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में, वो अंदर जाने से रोकता है। तो हम बाइपोलर में क्या देते हैं, समथिंग कॉल्ड मूड स्टेबिलाइज़र। अब ये मूड स्टेबिलाइज़र का क्या काम होता है, तो ये उतार चढ़ाव जो हो रहे हैं पेशेंट के लाइफ में, जो रुग्ण के जीवन में, वो पूरी तरह से रोक पाता है कुछ हद तक, अगर हमने दवाइयाँ ठीक से दी तो। जैसे जैसे दौरे बढ़ते हैं हमको मूड स्टेबिलाइज़र का प्रमाण, उनका डोज भी बढ़ाना पड़ता है, उनका नंबर भी बढ़ाना पड़ सकता है, बट ये डिप्रेशन और मैनिया दोनों में कॉमनली दी जाते हैं। अब पेशेंट अगर मैनिया मतलब उन्माद की अवस्था में है, तब हम अलग तरह की दवाइयाँ देते हैं, एंटीसाइकोटिक विथ मूड स्टेबिलाइज़र, कभी कभी शॉक ट्रीटमेंट भी देनी पड़ सकती है। मैनिया में कभी कभी हम हॉस्पिटलाइज भी करते हैं पेशेंट को, और इसलिए नहीं कि वो सुइसाइडल है, बट अगर वो थ्रेट टू प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी को सेल किए जा रहा है, या उसको ये लग रहा है कि मैं कहीं से छलांग मार सकता हूँ, कोई डेंजरस काम कर सकता हूँ, तब भी हम उसको हॉस्पिटलाइज करते हैं। जब डिप्रेशन में पेशेंट जाता है तो एंटी डिप्रेशन बहुत इफेक्टिव काम करते हैं,
बट अंडर द कवर ऑफ हम मूड स्टेबिलाइजर देते ताकि ऊपर ना जाए पेशेंट। तो इसमें बैलेंस करना एक साइकियाट्रिस्ट का क्या बोले एक लक्ष्य होता है कि जो उसको पेशेंट को नॉर्मल लाइफ दे सके जिसमें ना वो उतार में जाए ना वो चढ़ाव में जाए। तो ये एक महत्वपूर्ण काम है। साइकोथेरेपी का डेफिनेटली रोल है जब पेशेंट को ये समझाना जब वो नॉर्मल अवस्था में है कि आपको क्या बीमारी है और एक नॉर्मल लाइफ आप कैसे लीड कर सकते हो। जब डिप्रेशन में भी होते हैं तब बहुत सारे कन्फ्यूजन रहते हैं पेशेंट के माइंड में कि मैं अच्छे से जी पाऊँगा क्या, मैं रिलेशनशिप्स के लिए ठीक हूँ क्या, मैं अपना प्रोफेशनल लाइफ अच्छे से लीड कर सकता हूँ क्या। तो उस टाइप पे भी हम CBT दे सकते हैं। एक स्पेशल थेरेपी हम जो बाइपोलर में देते हैं उसको बायोरिदम थेरेपी बोलते हैं। हर अपने शरीर में हर संस्था में एक रिदम चल रहा है, ठीक है, उसको एक लय है। बाइपोलर के पेशेंट में वो लय कई बार विस्कलित रहती है, वो तरीके से नहीं होती। तो हम क्या करते हैं ऐसे पेशेंट्स में, ऐसे रुग्णों में, उनको बोलते हैं टाइम से सोना है, टाइम से उठना है, खाना भी टाइम से खाना है, वीकेंड्स को भी एक घंटे से ज़्यादा इसमें अंतर ना हो, और टेंशन को स्ट्रेस को मिनिमम रखना है। तो जैसे हम रिदम को अच्छी तरह से सीख लेते हैं, उसको एक रिदम में रखना पेशेंट को, उसी टाइम पे पेशेंट के ये भी साइकिल से भी दौरे काफ़ी हद तक कम होने लगते हैं। तो बायोरिदम थेरेपी का लक्ष्य है एक रिदम पेशेंट के माइंड में और बॉडी में भी सेट करना। ये एक स्पेशल थेरेपी है। और मोस्ट इम्पॉर्टेंट, पेशेंट को और रिलेटिव्स को भी एजुकेशन, साइको एजुकेशन देना बहुत ज़रूरी है कि एग्जैक्टली हम किस बीमारी से हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से इसको पहचाना जा सकता है कि पेशेंट वापस मैनिया में जा रहा है, वापस डिप्रेशन में जा रहा है, उसको टेंशन फ्री रखना कितना ज़रूरी है, उसने सोना 7 से 8 घंटा कितना ज़रूरी है, ये सब चीज़ों को कंट्रोल में रखने के लिए। और महत्वपूर्ण बात, जब पेशेंट मैनिया में है या डिप्रेशन में है तो उसके लाइफ के महत्वपूर्ण डिसीजन, निर्णय वो ना ले, जैसे रिज़ाइन कर देना जॉब से, शादी कर लेना, कभी प्रॉपर्टी बेच देना, ये सब चीज़ें अवॉइड करना है, इस चीज़ों को दूर रखना है जब हमें लगता है कि हम उन्माद में या नैराश्य की अवस्था में हैं। तो ये ट्रीटमेंट के कुछ गोल्स हैं, और इसकी भी ट्रीटमेंट हमें जीवन भर लेनी है। जो कुछ साइकियाट्री में बीमारियां हैं जिसके हमें जीवन भर ट्रीटमेंट लेनी पड़ती है, उसमें बाइपोलर एक इलनेस है। बट अगर ट्रीटमेंट ढंग से ले तो दौरे भी कम होते हैं और उसके साथ साथ जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ सकती है। बाइपोलर के पेशेंट अगर उनकी ट्रीटमेंट सही हो तो पूरी तरह से नॉर्मल लाइफ लीड कर सकते हैं, एक सक्सेसफुल लाइफ लीड कर सकते हैं।